कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिछली वीडियो पर आधारित उदाहरण तथा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। उदाहरण 1। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y तथा z निर्देशांक हमेशा 0 होंगे। अतः उस बिंदु का या उस बिंदु P का निर्देशांक हुआ x, 0, 0, क्योंकि वहां y की संख्या 0 है और z की संख्या भी 0 है। चलिए अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 2। वे अष्टांश ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदु -3, -1, -2 -5, -3, -6, -2, -7, -4 स्थित हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो की सारणी को ज्ञात कीजिए, जो कि यह थी। आपको यह याद हो जानी चाहिए। अब इसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि निम्नलिखित निर्देशांक कौन से अष्टांश में आते हैं। तो दोस्तों, पहला बिंदु हमें दिया है -3, -1, और -2। अब यदि आप ध्यान से सारणी में देखें तो छठे अष्टांश में माइनस प्लस और माइनस आता है, यानी यह बिंदु छठे अष्टांश में आएगा। चलिए अगला देख लें, 5, 3, और -6। वापिस सारणी में देखिए कि प्लस प्लस और माइनस कौन से अष्टांश में आएगा। तो वह आएगा पांचवें अष्टांश में, जहां प्लस प्लस और माइनस है। अब आखिरी बिंदु को देख लीजिए, -2, -7, और -4, यानी माइनस माइनस माइनस। तो ऐसे 3 माइनस सातवें अष्टांश में होते हैं, तो यह आया सातवां अष्टांश। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आपको यह सारणी ज्ञात है तो आप बड़ी ही आसानी से यह हल निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक को देख लें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए कि हमने दो बिंदु लिए हैं, यानी P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2। तो अब यदि हमने P से Q तक की दूरी का पता लगाना है तो उसका सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। और उसका सूत्र है PQ बराबर अंडर रूट ऑफ x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² तो अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यदि x1 बराबर y1 बराबर z1 0 के बराबर हैं, यानी P मूल बिंदु है, अर्थात ओरिजिन है, P के सभी निर्देशांक 0, 0 और 0 हैं, तो वह दूरी OQ कहलाएगी। और उसमें x1, y1, z1 0 रखने पर आएगा x2² + y2² + z2² का अंडर रूट। एक और बात जिसका आप ध्यान दीजिए
कि यदि तीन बिंदु संरेख यानी कोलिनियर यानी जो एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उस केस में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का जोड़ बराबर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रेखा है और इसमें कोई भी तीन पॉइंट हमने लिए यानी P, Q और R। अब यदि मुझे सिद्ध करना है कि ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो P से Q तक की दूरी और Q से R तक की दूरी का जोड़ बराबर प्रूव करना होगा P से R तक की दूरी, यानी PQ प्लस QR बराबर PR। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यदि मैं यह सिद्ध कर देता हूं, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह तीन बिंदु PQ और R संरेख हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तीन, बिंदुओं P 1 माइनस 3 4 और Q माइनस 4 1 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वह है PQ बराबर अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो यह आएगा माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो यह आएगा अंडर द रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 4 जो कि अंडर द रूट 45 हुआ, जिसे हम 3√5 भी लिख सकते हैं। अर्थात P से Q तक की दूरी हमारे पास 3√5 आ गई। चलिए अब अगला उदाहरण देख लें। दिखाइए कि P माइनस 2 3 5 कॉमा Q 1 2 3 और R 7 0 माइनस 1 संरेख हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, संरेख बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तो उसके लिए हमें पहले PQ फाइंड करना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं इसमें तो PQ आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट ऑफ 9 जमा 1 जमा 4 जो कि अंडर द रूट ऑफ 14 आएगा। फिर QR निकाल लेते हैं वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट जो कि आएगा 36 प्लस 4 प्लस 16 का अंडर रूट जो कि होगा रूट 56 के, और रूट 56 को हम 2√14 भी लिख सकते हैं। अब हमने PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, अब हम PR निकालेंगे। तो उसी प्रकार PR में वैल्यूज पुट कीजिए, वह आएगा अंडर द रूट ऑफ 81 जमा 9 जमा 36 जो कि अंडर द रूट ऑफ 126 हुआ, और इसे हम 3√14 भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही साफ है कि PQ जमा QR जो कि अंडर द रूट ऑफ 14 प्लस 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 14 बराबर है 3 इंटू अंडर द रूट ऑफ 14 जो कि PR की वैल्यू है। अतः इस प्रकार सिद्ध करते हैं हम कि बिंदु P, Q और R संरेख यानी कोलिनियर है। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण तथा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र तथा कुछ विशेष स्थितियां।
नमस्कार दोस्तों, अब हम श्वसन और गैसों का विनिमय पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं और गैसों का विनिमय। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में दो चरण सम्मिलित है, अंतः श्वसन जिसे हम श्वसन कहते हैं, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह वायु का फेफड़ों में प्रवेश इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्रपश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरकूलीय पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठाता है, जिससे पृष्ठधार अक्ष यानी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में अक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतरापूर्वक पेशियों का शिथिलन यानी रिलैक्सेशन डायफ्राम उरोस्थि को वायु का फेफड़ों से उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वृक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिमाण स्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे पसलियों और चार फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। हम अपने अतिरिक्त स्थान पर उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में जो सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन पाइरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों शिथिलन एवं का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। पाइरोमीटर कुछ इस प्रकार का दिखता है। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वरीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी लिखते हैं, सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निःश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिलीलीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित तथा निःश्वासित कर सकते हैं। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित करता है। औसतन यह 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होता है। अवशिष्ट आयतन यानी रेजिडुअल वॉल्यूम RV वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वासन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है,
इसका औसत 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं निकाली जा सकती है जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंतः श्वसन क्षमता यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु के कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। इसको हम TV प्लस IRV लिख सकते हैं। निःश्वसन क्षमता यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC सामान्य अंतः श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है, इसमें ज्वरीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। इसे हम TV प्लस ERV लिख सकते हैं। क्रियाशील अवशेष क्षमता यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। इसको हम ERV प्लस RV भी लिख सकते हैं। फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी TLC बलपूर्वक निःश्वसन की पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु का कुल मात्रा, इसमें ERV, RV, TV और IRV सम्मिलित है, यानी जैव क्षमता और अवशिष्ट क्षमता जिसे हम BC प्लस RV भी लिख सकते हैं। जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी VC बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु का वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है, इसमें ERV, TV और IRV सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है। गैसों का विनिमय कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और उत्तकों के बीच में होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होती है। गैसों के घुलनशील के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण के दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक है। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका में दर्शाए गए हैं और ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कपिकाओं से रक्त और रक्त से उत्तक में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता भी संकेत देते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात उत्तकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है, अंतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर विसरित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों में बनी होती है, यथा कुपिका की पतली शल्की उपकला यानी शल्की एपिथेलियम, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर कोशिका से बहुत कम होती है, इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन की कोशिकाओं में उत्तकों और कार्बन डाइऑक्साइड से कोशिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा श्वसन की क्रियाविधि, जिसमें हमने पढ़ा श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं और गैसों का विनिमय। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, श्वसन का नियमन और श्वसन के विकार। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अवकल समीकरण अध्याय का भाग चार पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था व्यापक हल द्वारा अवकल समीकरण का निर्माण। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की जो विधियां हैं वो तीन प्रकार की हैं। पहला है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, दूसरा है समघातीय अवकल समीकरण और तीसरा है रैखिक अवकल समीकरण। आज के इस वीडियो में हम जो विधि सीखने वाले हैं वो है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। तो आइए देखते हैं कि इस विधि को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं कि इस विधि के द्वारा किस प्रकार से हम अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि को हम एक उदाहरण द्वारा सीखेंगे। आइए देखते हैं उसे। अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y, जहां पर जो y है वो 2 के बराबर नहीं है, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y का, जो कि हम ज्ञात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, अर्थात पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि से। आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और इसके चरण क्या हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं, उसके बाद हम सेपरेट करेंगे हमारे गिवन वेरिएबल्स को, यानी कि y के टर्म्स को एक जगह लिखेंगे और x के टर्म्स को एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। इसके बाद हमारे पास ये जो प्राप्त हुआ है हमें, इसे अब हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों, जब हम इसे दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c1। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने इसे c1 क्यों लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा एक प्रकार का कांस्टेंट आया है जिसे हम बाद में c से रिप्लेस कर देंगे पूरी तरह से इसे हल करने के बाद। चलिए अब हम इसे पुनः हल करते हैं। जब हम इसे पुनः हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 4y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1, जिसे अब हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब जब हम सभी टर्म्स को एक साइड लेकर के आएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा जो ये 2c1 आया है इसे हम रिप्लेस कर देंगे c से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 2c1 को c से रिप्लेस किया है, अर्थात जो 2c1 है वो हमारा बराबर है c के। तो दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा व्यापक हल, अर्थात हमारा जनरल सॉल्यूशन हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसी विधि को हम कहते हैं पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि। यहाँ पर हम हमारे जो वेरिएबल हैं उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। आइए और प्रश्न देखते हैं जिससे कि आपको ये विधि अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगी। हमारा दूसरा उदाहरण है अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर माइनस 4xy स्क्वायर का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 है जब x बराबर 0 हो तब। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है, अर्थात पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है जब y बराबर 1 हो और x बराबर 0 हो तब।
तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने हमारे पहले वाले प्रश्न को हल किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसे भी हल करेंगे। केवल आखिर में जाकर हम x और y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे और हमारे कांस्टेंट का मान ज्ञात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। यहाँ पर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy upon dx is equals to minus 4xy square। यहाँ पर अब हम x के टर्म्स को एक जगह लाएंगे और y के टर्म्स को एक जगह लाएंगे। जब हम इसे एक जगह कर लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा dy upon y square is equals to minus 4x dx। अब जब हमारे पास ये अलग अलग आ चुके हैं वेरिएबल्स, तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 4x dx। जिसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस c के बराबर। यहां से जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस c। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो हमारे पास x और y की वैल्यू दी गई है उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके ये जो कांस्टेंट है हमारा c, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इस c की वैल्यू को वापस से पुट करेंगे हमारे प्राप्त किए गए सोल्यूशन में, जिससे कि हमारे पास हमारा अवकल समीकरण का विशिष्ट आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर c के मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास y बराबर 1/2x² + 1 प्राप्त होता है और यह हो जाएगा हमारे अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं दिए गए पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, कितने वर्षों में 1,000 रुपए की राशि दुगनी हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने में हम मान लेंगे कि हमारा जो P है वो हमारा प्रिंसिपल है किसी टाइम T का, यानी कि किसी टाइम T पर जो हमारा मूलधन है वो P के बराबर है। अब दिए गए प्रश्न के द्वारा हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि dp बटे dt जो होगा वो बराबर होगा हमारा 5/100 गुने p के, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा dp बटे dt बराबर p/20। अब यहाँ पर अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। जब हम यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा dp बटे p बराबर dt/20। अब हम यहाँ पर इसे दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा log p बराबर t/20 प्लस c1। c1 यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। यहाँ से जब हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा e^20 × e^c1। जिसे हम फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा p = c × e^20। यहाँ पर हमने e^c1 को मान लिया है c के बराबर। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जब p के मान को प्रतिस्थापित करेंगे और t के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमारे पास c का मान आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर p जो है वो हमारा 1000 के हमने माना हुआ और जो t है वो हमारा 0 के बराबर है, जिससे कि यहाँ पर हमारा जो c है वो हमें प्राप्त हो रहा है 1000 के बराबर। जब हम यहाँ पर c के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 1000 × e^20। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि कितने समय में हमारा जो राशि है 1,000 रुपए वो दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि t साल में हमारे जो मूलधन है वो दुगना हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इसके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2000 = 1000 × e^20, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास t का मान आ जाएगा 20 log 2। और दोस्तों, यही है हमारा टाइम जितने में कि हमारी जो दी गई राशि है वो दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम
इस विधि के द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं और पूछे गए प्रश्न का जवाब ज्ञात कर पा रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है अवकल समीकरण e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू जीरो का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लिख लेंगे तो इसके बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाय dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। यहां से अब हमारा जो अगला कार्य होगा वो होगा कि इसे इस रूप में लिखना कि हम इसे और आसानी से इंटीग्रेट कर पाएं। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा dy बराबर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा dy का इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमारे पास y आएगा। जब हम x वाले टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x है वो t के बराबर है, जिसका कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, जिसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू log t प्लस c। अब हम यहाँ पर t के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c के बराबर। और दोस्तों यही हो जाएगा यहाँ पर हमारे दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम विशिष्ट तथा व्यापक हल ज्ञात करते हैं हमारे दिए गए अवकल समीकरण का। इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे समघातीय अवकल समीकरण के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन और मत्स्यकी के बारे में। पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों का वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। हम नस्ल शब्द से क्या समझते हैं? पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह अंतः प्रजनन कहलाता है, जबकि भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन कराया जाए वह बाह्य प्रजनन कहलाता है। अंतःप्रजनन का अर्थ है कि नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी एक संगम होना। प्रजनन की कार्यनीति निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को पहले अभिनिर्धारित किया जाता है
तथा जोड़ों में उनका संगम कराया जाता है। ऐसे संगम से जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति का मूल्यांकन किया जाता है तथा भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रतिदुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है। दूसरी ओर सांडों में श्रेष्ठ अन्य नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक इसी ही प्रकार की कार्यनीति का प्रयोग मटरों की भांति पशुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित करने में किया गया है। अंतः प्रजनन संयुग्मता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के पशु में शुद्ध वंशक्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंतः प्रजनन आवश्यक है। अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं उन्हें उपदासित करता है। यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों की संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। अतः यह तरीका जहाँ प्रत्येक पद पर चयन हो वहाँ अंतः प्रजात व्यष्टि की उत्पादकता बढ़ाती है। यद्यपि अंतः प्रजनन में यदि लगातार संतत बना रहे, विशेषकर निकट अंतः प्रजनन से सामान्यतः जनन क्षमता और यहाँ तक की उत्पादकता घट जाती है। इसे अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। जब कभी यह समस्या के रूप में सामने आए तब प्रजनन व्यष्टि की चयनता पशुओं का उसी नस्ल से असंबंध श्रेष्ठ पशुओं से संगम कराया जाए। इससे सामान्यतः जनन क्षमता तथा उत्पादन दोनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। बाह्य प्रजनन, बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन ही बाह्य प्रजनन होता है। इसमें एक ही नस्ल की अथवा भिन्न प्रजातियों की व्यष्टियां भाग लेती हैं। बाह्य संकरण, इस विधि में एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल के श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराया जाता है। संकरण दो विभिन्न नस्लों के वांछनीय गुणों संयोजन में सहायक होता है। संतति संकर पशुओं का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग अंतः प्रजनन के किसी रूप में एवं चयन के विकल्पी रूप में विकसित हो सके, जिससे नई स्थायी नस्लों जो वर्तमान नस्लों से हर प्रकार से श्रेष्ठ है। इस विधि द्वारा पशुओं की अनेक नई नस्लों का विकास हुआ है। हिसारडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी ईयूज यानी भेड़ तथा मेरिनो रैम्स के बीच संगम कराने से हुआ है। अंतः विशिष्ट संकरण, इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। कुछ मामलों में संतति में दोनों जनकों के वांछनीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं तथा इस संतति का पर्याप्त आर्थिक महत्व होता है, जैसे खच्चर। कृत्रिम वीर्य सेचन के प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है। जिस नर का चयन एक जनक रूप में किया गया हो उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतक्षेप कर दिया जाता है। वीर्य का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए या इसे हिमीकृत कर बाद में प्रयोग में लाना चाहिए। इसे हिमीकृत रूप में वहां अभिगमनित भी किया जाता है जहां मादा रह रही है। इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया संपन्न होती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं। यदि भी कृत्रिम वीर्य सेचन की क्रिया को अपनाया जाता है फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण का दर से मिलने वाली सफलता कुछ कम होती है। संकरों की सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण अंतरण
तकनीक गौ पशुओं में सुधार का एक कार्यक्रम है। इस विधि में एक गाय में पुटक परिपक्वन तथा उच्च अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। सामान्यतः प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट सांड अथवा कृत्रिम वीर्य सिंचन द्वारा संगमनित कराया जाता है। 8 से 32 कोशिका अवस्थाओं वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अनुवांशिक मादा उच्च अंडोत्सर्जन की दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह प्रौद्योगिकी गौ पशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में प्रदर्शित की जा चुकी है। उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों के बैलों को सफलतापूर्वक जनित किया जाता है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में गौ पशु प्राप्त हुए हैं। मधुमक्खी पालन। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को छत्तों का रखरखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देशी प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती है, जिसका कृतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार की पॉलिश करने वाली उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। यह उद्योग चाहे लघु अथवा वृहद पैमाने का ही क्यों ना हो, एक आय जनक व्यवसाय उद्योग बन चुका है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहाँ जंगली झाड़ियाँ, फूलों के बगीचों तथा लहलहाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हो, वहाँ किया जा सकता है। मधुमक्खी की बहुत सी प्रजातियाँ होती है जिन्हें पाला जा सकता है। इनमें एपिस इंडिका अत्यंत ही सामान्य प्रजाति है। मक्खी के छत्तों को किसी के घर आंगन तथा बरामदों अथवा यहाँ तक कि छत पर भी रखा जा सकता है। मधुमक्खी पालन में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं। सफल मधुमक्खी पालन के निम्नलिखित बिंदु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान, मक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, मक्खियों के समूह को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना, विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंध और शहद तथा मोम का रखरखाव तथा एकत्रीकरण। मधुमक्खियां हमारी बहुत सी फसलें जैसे सूर्यमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपति के लिए परागणक है। पुष्पीकरण के समय यदि इन छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे पौधों के परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों का उत्पादन में सुधार हो जाता है। मत्स्यकी यानी फिशरीज। मत्स्यकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली, मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, खाद्य ऑयस्टर आदि पर आश्रित है। कुछ मछलियाँ जैसे कतला, रोहू तथा कॉमन कार्प सामान्यतः अलवण जल में पाई जाती है। कुछ समुद्री मछलियाँ जैसे हिलसा, सार्डाइन, मैकरेल तथा पॉम्फ्रेट। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यकी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए सही जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए
इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए जल कृषि तथा मत्स्य पालन के द्वारा हम अलवण तथा लवण जलीय पादपों तथा जंतुओं के उत्पादन को बढ़ा सके हैं। इससे मत्स्य के उद्योग विकसित हुआ है तथा फला फूला है, जिससे सामान्यतः देश को तथा विशेषतः किसानों को काफी आमदनी हुई है। इस वीडियो में हमने सीखा पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य की। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन के बारे में। धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।